अस्सलाम वालेकुम, आई एम हेयर फॉर यू विद अ न्यू वीडियो। बारामल्ला कॉर्नर का ये घर है, इसमें टोटल 5 बेडरूम दिए गए हैं, 2 किचन दिए गए हैं, जबकि फर्स्ट फ्लोर वाले किचन को ऊपर रखा गया है। इसमें बहुत ही खूबसूरत स्टेयर लॉबी दी गई है जिसमें शैंडलियर का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज में भी शैंडलियर्स दिए गए हैं। इस पूरे घर में विंडो के सामने कर्टन्स इंस्टॉल किए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा यूनिक इस्तेमाल किए गए हैं। हर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम दिया गया है, जबकि इस वॉशरूम में जकूजी का भी यूज़ किया गया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन डिटेल। इस घर का फ्रंट एलिवेशन है, 2 साइडेड एलिवेशन है, चूँकि ये कॉर्नर का घर है। फ्रंट एलिवेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके बाद साइड एलिवेशन भी शेयर करूँगा। इस घर की लोकेशन सेक्टर सी, बहरिया टाउन, लाहौर है। इसकी डिमांड 3,50,00,000 रुपये है। फ्रंट एलिवेशन में टाइल और रॉक वॉल के कम्बिनेशन के साथ वर्क किया गया है। ये आप देख सकते हैं, साइड एलिवेशन में भी सेम टाइल और रॉक वॉल का यूज़ किया गया है। साइड में आप देख सकते हैं साइड टेरेस दिया गया है और ग्रीन बेल्ट भी साइड में दिया गया है। इस घर का कार पोर्च है, जिसमें 2 से 3 गाड़ियां आराम से पार्क हो सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत टाइल का यूज़ किया गया है। ये फुल व्यू है इसका, ये आप टाइल देख सकते हैं। सामने निशेज में मोज़ाइक का वर्क किया गया है और कार पोर्च से ही इसकी मेन एंट्रेंस है। और ये इस तरफ राइट तरफ 10 फीट 9 इंच का फ्रंट लॉन है। बहुत ही खूबसूरत मेन एंट्रेंस दी गई है, जिसमें आप टाइल वर्क, सामने ग्राउंड फ्लोर की सेकेंड एंट्रेंस और ये सीलिंग डिजाइन स्टे लॉबी का देख सकते हैं। चलते हैं आगे। स्टेयर लॉबी से ही ड्राइंग रूम का डोर है और मेरे लेफ्ट साइड पे स्टेयर ऊपर जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और नीचे पाउडर रूम भी है गया स्टेयर्स के नीचे। सेकंड मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं ग्राउंड फ्लोर की। आप देख सकते हैं एंटर होते ही टीवी लाउंज आता है, सामने स्टोन वॉल पे यूज किया गया है। ये फुल व्यू इसका, जिसमें क्रेरा वाइट टाइल और ब्लैक बॉर्डर के साथ इसको बनाया गया है। ये सीलिंग डिज़ाइन इस बेडरूम, इस टीवी लाउंज का, इसको दोनों एंगल से के साथ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सिर्फ LED पॉइंट और 2 बेडरूम बैक साइड पे हैं। दूसरे एंगल से शेयर कर रहा हूँ टीवी लाउंज को। आप देख सकते हैं सामने किचन, स्लाइडिंग डोर दिया गया है किचन में, और ये एक दफ़ा फिर सीलिंग डिज़ाइन और शैंडलियर को क्लोज करके दिखा रहा हूँ, जो कि टेबल लाउंज में है। ड्राइंग रूम में चलते हैं, इसमें भी स्लाइडिंग डोर दिया गया है टीवी लाउंज और ड्राइंग के दरमियान। ये डोर स्लाइडिंग डोर, आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें कर्टन्स इंस्टॉल है, तो विंडो के सामने आप कर्टन्स देख सकते हैं। फायर प्लेसेस में दी गई है ये सीलिंग डिजाइन ड्राइंग रूम का। और ये इसकी फ्लोरिंग। चलते हैं किचन में। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस किचन को बनाया गया है। किचन कैबिन दरमियान में गया है और इसके सराउंडिंग में किचन कैबिनेट्स दी गई हैं। वाइट कोरियान का इस्तेमाल किया गया है किचन की स्लैब के लिए, और दोनों किचन कैबिनेट्स के दरमियान आप टाइल देख सकते हैं वाइट कलर में यूज़ की गई है। इसी तरह जो फ्लोरिंग है इसकी, वो भी करेरा वाइट टाइल में की गई है। फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन इसमें दिए गए हैं। सीलिंग डिज़ाइन किचन का, विंडो दी गई है साइड ओपन स्पेस में फॉर द वेंटिलेशन पर्पस। चलते हैं बेडरूम्स में। वन बाय वन दोनों बेडरूम को शेयर करूंगा, जो कि ग्राउंड फ्लोर में है। LED पॉइंट बेडरूम में, विंडो के सामने आप कर्टन्स देख सकते हैं। निशेज दी गई हैं विंडो के दोनों तरफ, जिसमें इंटीरियर किया गया है। यहाँ सामने आपका बेड आ जाएगा। ये सीलिंग डिजाइन इस बेडरूम का। और ये इसकी फ्लोरिंग।
इसके साथ भी अटैच वॉशरूम दिया गया है। चलते हैं अटैच वॉशरूम में। ये सामने आप वैनिटी देख सकते हैं, शॉवर एरिया, जकूजी, कमोड और ये इसकी फ्लोरिंग। टाइल जो वॉल पे दी गई है वो भी आप देख सकते हैं। ये इसका सीलिंग डिजाइन। और जकूजी को मैं क्लोज करके दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं। चलते हैं दूसरे बेडरूम में। एलईडी पॉइंट इसमें भी दिया गया है, विंडो और उसके उसके सामने कर्टेंस। ये पोशिश का वर्क किया गया है निश में। सीलिंग डिजाइन इस बेडरूम का। इसकी फ्लोरिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप देख सकते हैं इसकी फ्लोरिंग। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम दिया गया है जो कि बैक ओपन स्पेस में है। इसकी वैनिटी, शॉवर, सीलिंग डिजाइन और ये है जी इसका कमोड। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। स्टेयर जा रही है फर्स्ट फ्लोर पे। ये ऊपर स्ट्रेट लॉबी दी गई है जिसमें शैंडलियर का यूज किया गया है और ये इसका सीलिंग डिजाइन, बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिजाइन के साथ शैंडलियर भी दिया गया है इसमें। यहीं से फर्स्ट फ्लोर की मेन एंट्रेंस है, तो हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं। तो एंटर होते ही जैसे ग्राउंड फ्लोर में था, फर्स्ट फ्लोर पे भी ऐसे ही है। लिविंग दिया गया है जिसे हम टीवी लाउंज भी कह सकते हैं। सामने आप एलईडी पॉइंट और फायरप्लेस देख सकते हैं। फ्रंट वाली वॉल पे वॉलपेपर दिया गया है। ये इसकी फ्लोरिंग और सीलिंग डिजाइन टीवी लाउंज का। इसको दूसरे एंगल से भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिसमें आपको प्लान भी समझ आ जाएगा। ये एक फ्रंट पे बेडरूम है, सामने ओपन किचन है और दो बेडरूम बैक साइड पे हैं। चलते हैं ओपन किचन में। ये किचन कैबिनेट्स इसकी, विंडो फॉर द वेंटिलेशन पर्पस, फ्लोरिंग इसकी, ये इसका सीलिंग डिजाइन। व्हाइट क्रेयॉन में इसमें भी किचन की स्लैब दी गई है। चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। थ्री बेडरूम है टोटल फर्स्ट फ्लोर पे। हम फर्स्ट बेडरूम में आ गए फर्स्ट फ्लोर के। वॉलपेपर दिया गया है पूरे बेडरूम में, निश में पोशिश का वर्क किया गया है, एलईडी पॉइंट भी दिया गया है इसमें, सीलिंग डिजाइन इसका। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम दिया गया है। टोटल थ्री बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, जिसमें दो ग्राउंड पे थे और थ्री फर्स्ट पे हैं। इसके साथ अटैच वॉशरूम, सीलिंग डिजाइन इस वॉशरूम का। चलते हैं लास्ट वन बेडरूम में जो कि बिल्कुल घर के फ्रंट पे है। सामने एलईडी पॉइंट, कर्टेंस देख सकते हैं आप। इसमें भी वॉलपेपर यूज किया गया वॉल पे। इसका सीलिंग डिजाइन और इसके साथ अटैच वॉशरूम। वैनिटी, आप टाइल का वर्क देख सकते हैं इसमें। कमोड, इसकी फ्लोरिंग, कवर और ये इसका सीलिंग डिजाइन।